को टीचर इतना फ्री नहीं है वो आपका सारा पेपर पढ़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना फ्री नहीं है कि वो आपके 40 के 40 पे जिसका एक एक वर्ड पढ़ रहा है आपका शीट आपकी पूरे जो भी सेमेस्टर है पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है कि समझ जाएंगे कि स्पीड की वैल्यू कॉलेज एग्जाम्स में होती है। तो आपने पहला 1 से 1.5। हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब? पढ़ना स्टार्ट किया मंडे ट्यूसडे के लिए? मैंने आपको बोला था कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है, कहां तक आप पहुंचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और जिनका हो गया वेरी वेरी गुड, मतलब अगर आप 2 दिन में चैप्टर खत्म कर सकते हो तो आगे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाने वाली है। और जिन्होंने नहीं कर पाए खत्म या अभी कुछ पोर्शन रहता है तो गिल्ट की कोई जरूरत नहीं है, कल का एक दिन और एक्सटेंड ले लो वेंसडे का, आप वो चैप्टर कंप्लीट करो। लेकिन जो कंप्लीट आज कर सकते हैं वो कर लो, कल का डे अपना नेक्स्ट चैप्टर पे लगाना, ऐसे आपने 2-2 दिन करके अपने चैप्टर्स कंप्लीट करते जाना है। जिनका नहीं हुआ वो एक दिन एक्स्ट्रा ले लेना, बट मेक श्योर आगे से सिर्फ 2 दिन में ही चैप्टर कंप्लीट करना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। इट्स लाइक कि मैं आपको मेन, मतलब हमने देखो विराट कोहली ने कितनी प्रैक्टिस की हमें नहीं पता, हम तो विराट कोहली को उस दिन देखते हैं जिस दिन वो हमारे सामने मैच खेल रहा होता है, कितने रन मारे उसने, राइट। सिमिलरली आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो नहीं पता, जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो बस आपकी उस दिन शीट देखेगा कि आपने कितना लिखा है, उसको नहीं पता आपने कितने प्रैक्टिस की है। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना विराट कोहली का मैच वाले दिन परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही वो एग्जाम वाले दिन आपके लिए 3 घंटे इंपॉर्टेंट है। वो 3 घंटे आपको कैसे निकालने, उस 3 घंटे में क्या चीजें करनी है क्या नहीं, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसी को जैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से चीजों को समझो। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो पेपर से पहले टेंशन होती है, जिस बच्चे की जितनी तैयारी होती है उसको उतनी टेंशन होती है। आपको लगता होगा तैयारी टेंशन क्यों ले रहा है, नहीं, जिसने नहीं की तैयारी उसको पता है मैंने तो की नहीं, दो होगा देखा जाएगा, आता होगा ठीक है नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन जिसने तैयारी की होती है वो सबसे ज्यादा नर्वस होता है, मैंने तैयारी की है कुछ गलत ना हो जाए, मैंने इतनी मेहनत की है मुझे सब वहां याद आ जाए, मेरा सब ठीक हो जाए। तो जिसको जितनी तैयारी जिसने की होती है वो इतना नर्वस होता है। तो नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है, नर्वस होना अच्छा है, मतलब बिल्कुल फ्री माइंड भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी नर्वसनेस होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा नर्वस रहना अच्छा है, बिल्कुल एकदम ऐसे भी नहीं होना चाहिए टेंशन नहीं है तो उसका कोई ये ओके है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं कि मैं घबरा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, घबराहट होती रहेगी आपको बस पढ़ के जाना है। तो नर्वस होना ठीक है। अब 3 घंटे की बात करते हैं, जो 3 आवर्स स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर आपको मिलते हैं, मैं बता रही हूँ 2 तरह के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर और एक आपके पास होता है दैट इज कि आपको कोई भी 8 क्वेश्चन दे देते हैं उसमें से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर और आपको बताऊंगी शीट्स के बारे में, फिर आपको बताऊंगी कि इन दोनों से आप कैसे लिंक कर सकते हो तैयारी को, कि आपको तैयारी कैसे करनी है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन पेपर में वापस आते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे एक यूनिट वाइज और मैंने बताया कोई 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहले मैं यूनिट वाइज क्वेश्चंस पेपर की बात कर रही हूँ। आपने अपना सिलेबस पैटर्न एग्जाम पैटर्न देखना है कि आपके पेपर कैसे आने वाले हैं। सिलेबस जो होता है उसमें ऊपर लिखा होता है कि आपके यूनिट वाइज पेपर आएगा, कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करने हैं, ऊपर मेंशन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ठीक है। पहले हम यूनिट वाइज पेपर्स की बात करते हैं। मान लो आपके पास 4 यूनिट्स हैं और एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले जाते ही क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं पढ़ बैठ, मतलब पूरा नहीं पढ़ना, वो आप डर जाओगे। जिनका यूनिट वाइज है, ध्यान से मेरी बात सुनो, जिनका यूनिट वाइज है उनको पूरा एक साथ पेपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने कंपलसरी क्वेश्चन लास्ट में करना होता है, यूनिट वाइज क्वेश्चन देखने। आप यूनिट 1 पढ़ो, यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 करना होता है, आपको यूनिट 2, 3, 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जाके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ यूनिट 1 देखोगे, यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन देखोगे, उसमें से जो सा 1 करना है वो बस आप करना स्टार्ट करोगे, दैट्स इट। ना यूनिट 2 के क्वेश्चन देखोगे, ना 3 के, ना 4 के, आपने किसी यूनिट पे आगे जाने ही नहीं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन यूनिट ऐसी हो जिसमें आपको दोनों क्वेश्चन नहीं आते होंगे आप अपना पूरा पेपर खराब कर दोगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपने यूनिट 1 देखी, कंपलसरी क्वेश्चन बिल्कुल एंड में करते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, वो बिल्कुल एंड में करना है। आपने यूनिट 1 उठाई, उसमें 2 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 1 आपको करना है जो आपको अच्छे से आता है, यूनिट 1 होगी, फिर यूनिट 2 के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर यूनिट 3 के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर यूनिट 4 के, एक साथ पूरा पेपर। जिनका यूनिट वाइज पेपर होता है नहीं पढ़ने की जरूरत, टेंशन हो जाएगी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता हुआ, समझ आ गई चीज। आपने ऐसे क्वेश्चन पेपर रीड करना है, यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन देखते ही जो आपको आता है, दोनों में से 2 चॉइस होती है ना, करना शुरू करो शीट पे। ये नहीं स्टार्टिंग में अभी रिलैक्स बैठे हैं, 3 घंटे पढ़े हैं, 3 घंटे नहीं पता चलते, जाते कंपल्सरी क्वेश्चंस, बाद में यूनिट 1 का क्वेश्चन पढ़ो और करना स्टार्ट कर दो पेपर। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जिनके अब आपके पास होते हैं क्वेश्चन पेपर की बात कर रही हूँ, जैसे अब आपके पास मान लो 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई 5 करने हैं, अब इन बच्चों को पहले 8 के 8 क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, ठीक है।
अब इन 8 में से उनको 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो उनको बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप पहले ही डिसाइड करो कि आपको 5 क्वेश्चन कौन से करने हैं। ये ना हो पहले 3 कर ले और बाद में पता लग रहा लास्ट वाले 3 तो बहुत ईजी थे। तो आपको ऐसा नहीं करना, जिनके 8 में से 5 करना है यूनिट वाइज कोई चक्कर नहीं है, वो पहले 8 के 8 क्वेश्चन रीड करेंगे और 5 सबसे बेस्ट अपने सिलेक्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर की रीडिंग ऐसी होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपका पेपर आपकी टीचर चेक नहीं कर रही, वो आपको पर्सनली नहीं जानता, आप कैसे क्वेश्चन पेपर रीड करके कितना अपना बेस्ट दे पाते हो उस पर डिपेंड करता है आपके मार्क्स। समझ आ गई चीज। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ना मार्क्स लेना बहुत ईजी है। अभी लास्ट में आपको बताती हूँ, लास्ट तक आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कितना ईजी है मार्क्स लेना। ये चीज क्लियर हो, क्वेश्चन पेपर रीड कैसे करना है पक्का देख लो। यूनिट वालों ने सारा पेपर एक साथ नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी, एक यूनिट पढ़नी है, उसके 2 में से जो एक आता है वो करो, फिर सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। पहले पूरा पेपर पढ़ रहे हो, फिर करते हुए भी पढ़ रहे हो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं शीट्स पे। आपको जैसे ही शीट्स मिलेंगे उसमें 40-40 पेजेस ऐसे आपके पास पेजेस होंगे, राइट। सबसे पहले आपको रोल नंबर, अपना नेम नहीं लिखने को बोलते, रोल नंबर लिखा जाएगा आपका। आपको वहाँ फिल्स करने होंगे सर्कल, जैसे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की शीट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से आती हैं, वो आपने पहले बहुत केयरफुली अपना रोल नंबर लिखना है, उसमें गड़बड़ नहीं करनी है। क्लास पेपर रोल नंबर अपना बहुत अच्छे से फिल करना है, उसमें गड़बड़ नहीं है। जैसे बोर्ड्स के एग्जाम में डर के भरते थे ना कि कोई एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए, वैसे ही आपने यहाँ पे करना है। 40 पेजेस जितने भी आपकी शीट्स में होते हैं काउंट करो, जितनी ऊपर लिखेगी 40 पेजेस की शीट्स हैं, ऐसा होना चाहिए कि उसमें 40 हो। एक बार एक बच्चे को मैं जब एग्जाम दे रही थी तो मेरे को नहीं, एक और स्टूडेंट को शीट्स मिली, जैसे हमारे साथ मिली, 40 पेजेस के नहीं मिली उसको, उसको 27 पेजेस की मिल गई। हम सबको 40 पेजेस की शीट्स मिली, गलती से एक यूनिवर्सिटी की तरफ से उसको 27 पेजेस वाली शीट्स मिल गई। उसकी वो शीट चेंज नहीं की गई, उसे उन 27 पेजेस में ही अपना पेपर करा। तो ये मिस्टेक हो जाती है, मैंने खुद ये मिस्टेक देखी हुई है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि पूरे हॉल में सबको 40 पेजेस वाली शीट मिली है, लेकिन एक सिंगल बच्चे को 27 पेजेस वाली गलती से मिल गई, उसकी वो शीट चेंज नहीं, उसे 27 पेजेस में जितना पेपर हुआ करना पड़ा। तो मेक श्योर जितने आपके पास शीट्स हैं वो होनी, जितने ऊपर मेंशन है 40 पेजेस, जितने भी वो आपके पास होनी चाहिए, 40 पेजेस 27 पेजेस जितने ऊपर लिखा होता है शीट्स के ऊपर कितने पेजेस की शीट है, वो आपके पास उतने पेजेस होने चाहिए। बहुत रेयर चांस है, इतने सालों में सिर्फ एक ही बार मैंने ऐसे देखा कि एक बार 27 पेजेस की शीट्स आ गई, नहीं तो कभी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट स्टिल आपको इसके लिए अलर्ट रहना है। तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना आ गया, शीट के पेजेस काउंट कर लोगे, अपने रोल नंबर लिख लोगे, पेपर कोड आपको अपनी शीट पे लिखना होता है वो लिखोगे, प्रॉपर आपकी शीट काम करने के लिए रेडी हो जाएगी। दूसरी चीज, कई बार बच्चे बहुत ब्रॉड ब्रॉड मार्जिन लगा देते हैं कि जितना हम लिखेंगे, जितने पेजेस हम लिखेंगे उतना हमारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ब्रॉड ब्रॉड लगाओगे, जो पेपर चेक कर रहा होता है उसको पता है, उसका माइंड है कि इसने ब्रॉड ब्रॉड जो है बॉर्डर्स लगा दिए हैं कि बीच में कम लिखना पड़े, पेजेस ज्यादा बने, ये काम आपको नहीं करना। अगर आपके माइंड में ये चीज है कि जितने पेजेस भरेंगे उतने मार्क्स आएंगे, ये बात गलत नहीं है, कुछ ना हद तक ठीक है, लेकिन ये हर पेपर के लिए नहीं होता। थ्योरी का पेपर है या प्रैक्टिकल का पेपर है उस पे ये इफेक्ट डलता है। मान लो आपके पास थ्योरी का पेपर है तो हाँ ये बात है, अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है 7-8 पेजेस आपको लिखने होते हैं, बट इट डजंट मीन आप इसमें सॉन्ग्स डाल रहे हो, बॉर्डर्स कर रहे हो। जो पेपर चेक कर रहे हैं वो भी स्मार्ट है, उसको पता है कि बॉर्डर्स इसने ज्यादा ब्रॉड लिए, तो ऐसा अपनी चीजें नहीं करनी। अगर वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कोई क्वेश्चन पेपर में दे रहा है तो उसकी वर्थ उतनी होगी, उसमें इतना मटेरियल होगा कि आप 6-8 पेजेस लिख पाओ। तो जितने थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं ठीक है, कुछ हद तक ऐसे होता है कि पेजेस काउंट होते हैं, बट ऐसे नहीं कि अगर आप अपना एक्स्ट्रा मटेरियल लिखी जा रहे हो, ऐसा नहीं है। कुछ हद तक ये चीजें मायने रखती हैं कि हाँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसमें 6-7 पेजेस या 8 पेजेस तो होंगे ही होंगे, बट इसका ब्लाइंडली भी ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे मैथ्स का क्वेश्चन है 8 मार्क्स का तो वो मेरा 8 पेजेस पे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी में कुछ हद तक होता है कि हाँ मार्क्स डिपेंड करते हैं पेजेस पे, पर वो क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाते हैं कि उतने पेजेस पे आए, आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वो अपने खुद ही तैयार करके उतना मटेरियल गए होते हो, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आप वहां पे 8 पेजेस 7 पेजेस लिख पाते हो आराम से। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। अब देखो मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इसमें आपके कंसेप्ट के नंबर होते हैं। मैथ्स का एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, आपके पास 2-3 पेजेस में आराम से हो जाता है, तो ये जरूरी नहीं उसमें आपको 8 पेजेस बनने हैं। मैथ्स, स्टैट्स, इन सबके आपके आंसर्स ठीक
ठीक होने चाहिए, फॉर्मूलाज ठीक होने चाहिए, आपको इनको प्रॉपर लिख के आना है। प्रेजेंटेशन की मैं बात करूँ, बहुत सिंपल, बहुत आराम से जितने भी थ्योरी के पेपर आपको प्रेजेंट करने हैं वो आपको जितनी हेडिंग्स हैं वो आपको डिफरेंट कलर के पेन से लिखनी है। ब्लू कलर से आप पूरा पेपर लिख रहे हो, आप चाहे डिफरेंट ब्लैक कलर से, मैं हेडिंग्स हमेशा ब्लैक कलर से लिख के आती थी। देखो टीचर इतना फ्री नहीं है, वो आपका सारा पेपर पढ़ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना फ्री नहीं है कि वो आपके 40 के 40 पे जिसका एक एक वर्ड पढ़ रहा है, कोई टीचर इतना टाइम ही नहीं है कि वो पढ़ पाए। आपकी हेडिंग्स प्रॉपर लिखी होंगी, अगर उसको हेडिंग्स एक्यूरेट लग रही हैं और वो कोई एक दो पॉइंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ भी लेता है कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, तो उसको पता लग जाता है आपका लेवल, आप कितना पढ़ के आए हो। तो आपने जितनी भी हेडिंग्स हैं अपने पेपर में वो आपने ब्लैक पेन से बिल्कुल डार्क करके लिख के आनी है। डार्क इन द सेंस पेज ही अपना ब्लैक कर दो, मतलब बिल्कुल हाईलाइटेड वे में होने चाहिए। और पढ़ते हुए भी, तभी मैं आपको कहती हूँ थ्योरी जितनी आप तैयार कर रहे हो एग्जाम्स के लिए, वो तैयार करते हुए भी हेडिंग्स पे आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि हेडिंग्स एज इट इज एग्जाम में लिखोगे तो मतलब एग्जामिनर को वो वर्ड्स पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, हाँ इस बच्चे को इस वर्ड की भी नॉलेज है। बट वही बात, जो आप हेडिंग्स पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन भी ठीक से पता होनी चाहिए। तो आप जितने भी थ्योरी के एग्जाम्स करोगे उसमें आपने जितनी हेडिंग्स है, सब पॉइंट्स है, वो सारे ब्लैक पेन से लिखने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन ब्लू पेन से लिखनी है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करो मैथ्स एंड स्टैट्स की, उसमें आपने आंसर्स को बॉक्स में डाल के आना है। जैसे मैं यहाँ पे आंसर्स कोई भी लिखती हूँ तो मैं बॉक्स में डालती हूँ, और फॉर्मूलाज ये बॉक्स में डालना है, जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो और जो आंसर आप कर रहे हो उनको बॉक्सेस में डाल दो, सो दैट जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको दिक्कत ना आए, उसको फटाफट से क्लियर हो कि ये फॉर्मूला यूज किया बच्चे ने और ये आंसर है, ये ठीक है, और वो आपको फुल मार्क्स देके आगे बढ़ता चले। जितना ईजी उसको पेपर चेक करने में होगा उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ये बात क्लियर होगी। तो थ्योरी का पेपर में क्या करने हैं, ध्यान से पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनो। थ्योरी के पेपर में आपने जितने क्वेश्चन वर्थ है उतना ही लिखना है, बॉर्डर आपने ज्यादा ज्यादा ब्रॉड नहीं बनाने हैं, हेडिंग्स बिल्कुल अच्छे से लिख के आने, ब्लैक पेन से डिफरेंट कलर से, ब्लू पेन से आप क्या कर रहे होगे उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिख रहे होगे। प्रैक्टिकल पेपर की बात करें उसमें फॉर्मूला एंड आंसर को आपने बॉक्स में डालना है, नीट एंड क्लीन तो करना ही करना है। मतलब ये ना समझो कि मैम ठीक पेपर कर दिया, आप नीट एंड क्लीन भी करें, नहीं, नीट एंड क्लीन तो पेपर करना ही करना है, वो तो मस्ट है, बट प्लस उनके साथ ये हेडिंग्स, ये बॉक्सेस बनाना जरूरी है। कई बार हमें लगता है ये क्या जरूरत है मैम, ठीक ही तो लिखा है, बट नहीं, ये जरूरी है, आपको ये करना होगा अगर आपको प्रेजेंटेशन अपना अच्छा करना है। मेरे माइंड में भी रहता था मैथ्स में स्पेशली कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया, आंसर्स ठीक आए, प्रेजेंटेशन क्या है, नहीं, प्रेजेंटेशन मायने रखती है, आपके परसेंटेज में डिफरेंस आता है। जितना ईजी अच्छा आपने प्रेजेंट किया होगा चेक करने वाले को ईजी लगेगा, आपका पेपर में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, वो और आपके क्वेश्चन को मतलब ये देख लो कि शीट देख के मतलब चेक करने वाले को पता लग जाना चाहिए भाई इस बच्चे को पेपर आता है, ऐसा आपका पेपर का लुक होना चाहिए। नाउ सेकंड चीज इज, आपको मैम इसमें अगर हम इतना सारा काम करेंगे स्पीड कैसे मेंटेन करेंगे, स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ती है, बिल्कुल मेंटेन करनी पड़ती है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3 घंटे का पेपर होता है और जो फर्स्ट 1 से 1.5 आवर होता है वो मैजिक आवर होता है, बिल्कुल मैजिकल, जिस टाइम आधे से ज्यादा बच्चा रिलैक्स्ड होता है। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 3 घंटे पड़े हैं, जिसने ये पहले 1 से 1.5 घंटा अपना बहुत अच्छे से निकाल लिया, मतलब बहुत एकदम अपनी स्पीड भी मेंटेन रखी, अपना अच्छे से सारी प्रेजेंटेशन भी अच्छे कर रहे हैं, हैंड राइटिंग भी अच्छा कर रहा है, उसका पेपर सारा ही अच्छा जाएगा। जो पहले 1 से 1.5 आवर रिलैक्स घूम रहा है, कोई बात नहीं पेपर हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है 3 घंटे, वो बाद में भाग रहा होगा और जो चीज़ें उसको आती भी होंगी ना वो भी छूट जाएंगी, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा। ये 3 घंटे बहुत कम लगते हैं कॉलेज के एग्जाम में अगर आपको अच्छे से पेपर आता है। तो पहले 1 से 1.5 आवर रिलैक्स्ड पेपर नहीं करना बिल्कुल, थोड़ा सा अपना माइंड में रखो कि स्पीड मेंटेन करनी है। और जैसे ही आप अभी सेम 1 जो भी है, जिन्होंने तो सेम 3 सेम 5 के पेपर देने, उनको पता है स्पीड की वैल्यू, जो सेम 1 के स्टूडेंट हैं वो एक पेपर दे के समझ जाएंगे कि स्पीड की वैल्यू कॉलेज एग्जाम्स में होती है। तो आपने पहला 1 से 1.5 आवर अपना माइंड रिलैक्स नहीं रखना, रिलैक्स इन सेंस ये भी नहीं परेशान हो जाना है, लेकिन अपने माइंड में स्पीड का एक रखना कि हाँ थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। और सच में बताऊँ अगर आपकी तैयारी है ना तो आपकी स्पीड होती है पेपर में, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है वो आपको चीज़ें फंबल करते हैं, तो ये कहाँ आएगा, ये कैसे करना है, वो चीज़ें आपके माइंड में रहती है। तो तैयारी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पेपर अटेम्प्ट, क्वेश्चन पेपर पढ़ना कैसे है आपको समझ आ गया, सिलेक्शन क्वेश्चन की कैसे करनी है समझ आ गया, शीट पे पेपर लिखना कैसे है ये समझ आ गया, शीट चेक करनी है पेजेस ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये आप 3 घंटे में कैसा परफॉर्म कर रहे होंगे ये आपकी 50 डेज अब आप क्या करने वाले हो इस पे डिपेंड करता है। जैसा 50 डेज में आप प्रिपरेशन करोगे आप ये 3 आवर्स में वो रिफ्लेक्ट करोगे, मीन्स ये 50 डेज इक्वल टू 3 आवर्स होने वाला है। सो ये 3 आवर्स के लिए 50 डेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं मार्क्स आते टॉप करते बच्चे, टॉप करना बहुत बहुत ईजी है कॉलेज में, कोई आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ रहा, स्मार्टनेस चाहिए आपको, कंसेप्ट आना चाहिए आपको, किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, हेडिंग सेम रहनी चाहिए, वर्ड सेम रहनी चाहिए,
चाहिए, लैंग्वेज में अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, एक्सप्लेनेशन करेक्ट होनी चाहिए, सॉन्ग्स डालने का बिल्कुल भी मत सोचना, प्रॉपर लिखी हुई चीज होनी चाहिए। अगर चेक करते हुए कोई भी दो पॉइंट्स आगे पढ़ रहा है तो आपके पॉइंट्स जो लिखे हो उससे टीचर जो चेक कर रहा होता है उसको आइडिया लग जाता है कि आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप किस प्रोसेस से पेपर की तैयारी करके आए हो, उसको सब पता लग जाता है। आपका शीट आपकी पूरे जो भी सेमेस्टर है पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए ये 50 डेज इतनी मेहनत करो कि पेपर के टाइम तक आपको हेडिंग्स टिप्स पे हो, मैथ्स के कंसेप्ट्स टिप पे हो, फॉर्मुलास टिप्स पे हो, ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे हो। आई होप आपको पेपर का एक होल आइडिया लग गया कि कैसे पेपर देना है। तो ये 3 आवर्स के लिए 50 डेज इतनी मेहनत कर दो। जिन्होंने ये आज का मतलब जो मैंने मंडे ट्यूजडे का दिया था, अगर आपने टास्क कंप्लीट कर दिया, वेल डन, सच में बोल रही हूँ। अगर आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो कल तक भी कंप्लीट कर ले वेंस तक वो भी बहुत अच्छा है। अब 2 डेज का ऐसे आगे टारगेट लेके अपना काम बढ़ाए रखो। अब मैं धीरे धीरे आपके डाउट, जैसे किसी ने एग्जाम्स के बारे में पूछा, मैंने बताया, जैसे जैसे आपके और डाउट्स आते जाएंगे मैं बीच में क्लियर करती जाऊंगी आप लोगों के डाउट्स, और आपको एक बार बीच में अलर्ट भी देती रहूंगी, अवेयर भी करती जाऊंगी, अलार्म की तरह काम करूंगी कि आप अपना काम करना मत छोड़ो, ठीक है। आई होप अब आपको पेपर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट है, अच्छा, बच्चों को होता है किट, पेन, पेंसिल सब अलाउड होता है, कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं यूनिवर्सिटीज में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में अलाउड होते हैं कैलकुलेटर्स। अगर जिनके नहीं है फिर भी अपने टीचर से कंफर्म कर लेना। जिनका न्यूमेरिकल मेथड्स का सब्जेक्ट होता है उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर्स भी अलाउड होते हैं, बाकी सबको नॉर्मल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। फिर भी इसके अलावा भी कोई और डाउट आपका एग्जाम से रिलेटेड है, यू कैन आस्क। रोल नंबर्स आपको पहले मिल जाते हैं, जैसे आपकी डेट शीट आएगी उसके बाद आपको कॉलेज से नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको रोल नंबर्स मिलने वाले हैं, तो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। बट अभी फोकस 50 डेज पे रखो कि कैसे पढ़ना है ताकि वो 3 घंटे में हम रॉक कर पाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज DMS। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.